है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस एट ईज। स्टूडेंट्स, हमने कल बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर। चैप्टर हमारा चल रहा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हमने स्टेजेस के बारे में बात की थी, दैट इंटरफेस में टू मेन स्टेजेस कौन सी होती है। फर्दर हमने स्टेजेस के बारे में बात की थी ना, दैट G1 फेस होता है, S फेस होता है एंड G2 फेस होता है। अब हम बच्चे वहाँ पे हमारी एक चीज़ रह गई थी, दैट इज़ G0 फेस। देयर इज अनदर फेस जिसको आप क्या बोलते हो, G0 फेस बोलते हो। देखो, पता है क्या होता है, हमारे एडल्ट एनिमल्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसे विजुअलाइज किए गए हैं जो कोई भी डिवीजन को शो नहीं करते, जैसे हमारे हार्ट सेल होते हैं। तो ये हमारे जो सेल होते हैं ना, ये बेसिकली उस टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं जब मान लो हमारी बॉडी को कोई इंजरी हो जाए, कुछ भी इंजरी हो जाती है। तो हमारी नॉर्मली क्या होता है, एडल्ट्स के अंदर ये सेल ओकेजनली डिवाइड करते हैं, मींस परमानेंट ऐसे डिवाइड नहीं कर रहे होते, जस्ट ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल, जब सेल को रिप्लेस करने की ज़रूरत हो, दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी और सेल डेथ। जो लॉस हो चुका है या सेल डेथ की इंजरी की वजह से कुछ उसको प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं करते। मतलब हम बोल सकते हैं ये बेसिकली एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर चले जाते हैं। जिस इनएक्टिव स्टेज को आप क्या बोलते हो, क्विसेंट स्टेज बोलते हो, दैट इज G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सो हेयर वी कैन राइट दैट द हार्ट सेल्स, हमारी बॉडी के जो हार्ट सेल्स होते हैं ना, वही ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लाइक हार्ट सेल हो गए एंड मैनी अदर सेल्स विच डू नॉट अपियर टू एग्जिबिट डिवीजन। ठीक है, जैसे हार्ट सेल हो गए एंड देयर आर मैनी सेल्स विच डिवाइड ओनली ओकेजनली एंड मैनी सेल्स which divides occasionally, ये सिर्फ occasionally divide करते हैं। ठीक है, कब करते हैं occasionally divide, जब भी किसी cell को replace करना हो, to replace cells, जब किसी cell को क्या करना हो, replace करना हो, या हम बोल सकते हैं जब कोई भी cell का loss हो गया हो during injury, ओके। सो ऐसे सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करते, नॉर्मली डिवाइड नहीं करते, ये एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। दीज सेल्स दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते एंड दे अंडरगो अ स्टेज, दे अंडर गो एन इनएक्टिव स्टेज, ये एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। जिस इनएक्टिव स्टेज को आप क्या बोलते हो, क्विसेंट स्टेज, दिस इज नोन एज क्विसेंट स्टेज एंड क्विसेंट स्टेज को आप क्या बोलते हो, G0 फेस ऑफ द सेल साइकिल, दिस इज G0 फेस ऑफ सेल साइकिल। तो ये था G0 फेस के बारे में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एम फेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा एम फेस। एम फेस जो हमारा मेन फेस है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सी स्टूडेंट्स, जो एम फेस होता है ना, ये सेल साइकिल का बहुत ही ड्रामेटिक फेस होता है, इसको ड्रामेटिक फेस बोलते हैं। एंड यहाँ बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी रीऑर्गेनाइजेशन होती है सेल के कंपोनेंट्स की, बहुत चीज़ें बनती हैं, बहुत चीज़ें डिसअपियर होती हैं, और यहाँ पे बेसिकली